नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज। दोस्तों, ऐसे परिवार आपको लगातार हम दिखाते हैं जो कि देहदान में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 13 में, जहां पर एक परिवार जो है देह का दान कर रहा है। और बता दें, जो व्यक्ति हैं जेजी अग्रवाल, जिनकी 76 वर्ष की उम्र में जो है जिनका स्वर्गवास हो गया, बीमार थे और देख सकते हैं सभी परिजन जो है उन्हें अंतिम जो है उनके चरणों में जो है वो किस तरीके से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल देख सकते हैं जो अपना श्याना की टीम है वो भी यहां पर पहुंची हुई है, जो कि लगातार जो है ऐसी ही देहदान के अंदर जो है वो लगातार अपनी सेवा करते हुए हमेशा से उनके यही प्रयास रहते हैं कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और यहाँ पर सभी परिजन भी आप देख सकते हैं मौके पर पहुँचे हुए हैं और सीधा राजकुमार जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज एक परिवार फिर से देहदान जो है वो कर रहा है और क्या कुछ बताएंगे सर? देखिए, राजा करण की ये पावन धरती है, यहाँ पर हमेशा हर एक इंसान सेवा के भाव से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आज इस परिवार के अंदर प्रभु जी को प्यारे हो गए श्री जय गोपाल अग्रवाल जी। उनके बेटे हैं श्री मुकेश अग्रवाल जी, जिन्होंने बड़ा अच्छा एक निर्णय लिया कि पार्थिव शरीर को जलाने की बजाय किसी उनका हर एक अंग जो है वो किसी के काम आए, डॉक्टर्स रिसर्च करें ताकि और अच्छे डॉक्टर्स तैयार हों। तो अब इनका जो पार्थिव शरीर है वो एम्स के अंदर डोनेट किया जा रहा है और नेत्रों के लिए जो है वो नेत्र माधव नेत्र बैंक से हमारे डॉक्टर नेत्र दान भी किए गए हैं। माधव नेत्र बैंक के द्वारा नेत्र दान किया, ये इनके भतीजे हैं, सारे परिवार खड़ा हुआ है। एक बहुत ही महान परिवार है और ऐसा कार्य करने वाला बड़ा महान शख्सियत होती है। आपके माध्यम से ये अपील है कि कोई भी अगर नेत्रदान या देहदान करना चाहता हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416110073, 9461 नंबर रहता है। ये उनका बेटा आ गया, यहाँ पर बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पिताजी का देहदान कर रहे हैं और फिलहाल कहीं ना कहीं मन में परिजन जो हैं आंसू भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है, इसी को सोचते हुए हमने ये देहदान और नेत्रदान करने का सोचा है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा को न जला सकता है, न कोई गला सकता है, न सुखा सकता है, ये तो मात्र एक मिट्टी है, ये किसी काम आ जाए इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो बता दें कि नेत्रदान भी किए गए हैं और उससे दो लोगों को जो है दो शरीरों में जो है यानी कि वो रोशनी मिलेगी उनकी आंखों को। और देख सकते हैं पूरी जो अपना श्याना की टीम है वो भी इस समय मौजूद है और सभी लोग भी फिलहाल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और साथ ही साथ जो है ये भी उन सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिमाचल के एम्स में जो है ये बॉडी उनकी डोनेट की जा रही है। और यहाँ पर चरणजीत बालीजी हमारे साथ में है। बालीजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देहदान तो बड़ा महादान है और हर परिवार जो है आप लगातार जो है अपना इसमें योगदान दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सर्वप्रथम IBN 24 का थैंक यू करूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा सेवा का काम किया। नतमस्तक है समाज इस परिवार के आगे, जिन्होंने देह का दान कर समाज के अंदर नई मिसाल पैदा की। पूरा परिवार सेवा, भाई, पोते, बेटे, बहुएं, सब ने बाबू जी के शरीर का देह का दान किया। हम आभारी हैं समाज इनके। माता जी, यहाँ पर फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे माता जी से, उनकी पत्नी हैं। आंटी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? पति का देह जो है वो दान बहुत अच्छा दान किया, अच्छा किसी के काम आए। वो तो बीमार थे, उसको क्या करते, मिट्टी में जलाते। वो सारी जिंदगी अपने दूसरों का तो खूब हित करते थे, किसी को कोई करता था उसका सारा कुछ। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ माता जी हैं और किस तरीके से परिवार की आप सोच देख सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा जो निर्णय लिया है जो कि परिवारों के लिए लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज पूरा परिवार ही आप देख सकते हैं इस समय खड़ा है तस्वीरों में, और जो देह का दान है वो किस तरीके से उनके परिवार में जो अन्य सभी लोग हैं वो भी फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं। जो उनकी इच्छा थी वो कर दिया। और दोस्तों फिलहाल बता दें पास में ही जो एम्बुलेंस है वो भी फिलहाल पहुंच चुकी है और सभी अंतिम विदाई देते हुए उन्हें जय गोपाल अग्रवाल जिन्हें जिनका जो बॉडी है वो फिलहाल इसी एम्बुलेंस के अंदर फिलहाल ले जाई जाएगी हिमाचल के एम्स में। जी हाँ, हिमाचल के एम्स में इसी एम्बुलेंस के द्वारा जो है वो लेकर जाई जाएगी बॉडी। और फिलहाल
परिवार की आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन आप उनके बेटे की सोच भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये बात कही कि शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी बन जाना है, तो ऐसे में किसी के काम आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी सोच रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को शेयर करें और फिलहाल जो स्ट्रेचर है उस पर फिलहाल जो बॉडी है वो ले जाकर हिमाचल के एम्स में फिलहाल जो दान है वो फिलहाल की जाएगी। उम्र की बात करें तो लगभग जो जय गोपाल अग्रवाल हैं उनकी उम्र लगभग 76 साल थी। 76 साल में बीमार होने के कारण जो है उनकी, क्योंकि उनके इलाज में भी परिवार ने बहुत प्रयास किया, उनके बेटे ने बहुत प्रयास किया, बड़ी सेवा की, लेकिन फिर भी जो है उनकी 76 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी फ़िलहाल परिवार वाले सभी के सभी लोग जो हैं आँखों में आंसू भी हैं, और साथ साथ ही जो उनका देह है वो दान करते हुए तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस समय, जो हिमाचल के एम्स में ले जाया जाएगा और वहाँ पर सभी मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी पर रिसर्च जो है वो करेंगे। और बेटे ने जो एक बात कही मैं दोबारा बताना चाहूँगा, उनके बेटे ने ही कहा कि जो देह है ये तो मिट्टी है और ये मिट्टी हो जाना है, तो ऐसे में उन्होंने जो देह है उनका दान करने की बात रखी। तो फिलहाल जो बॉडी है उसे इसी एम्बुलेंस में फिलहाल रखा जा रहा है जो कि हिमाचल के एम्स में लेकर जो है फिलहाल जाई जा रही है। ये पत्नी है बिल्कुल, और फिलहाल अंतिम विदाई जो है होते हुए अपने पति को देख रही हैं ये माता जी। और राम 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 बेटा, तुम भी छू लेना बेटा। तो आप बता दें कि उनकी जो पत्नी है वो अंतिम बार जो है अपने पति के पैर छूते हुए, बड़ा ही भावुक पल है, लेकिन परिवार जो है वो इस बात को समझता है और तभी इतना बड़ा निर्णय परिवार ने लिया है। और कहीं ना कहीं वो सभी परिजन जो है मौके पर देख सकते हैं फिलहाल इस समय। तो बता दें फिलहाल जो अनु मैडम है अपना शाना की टीम से उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा भावुक पल है परिवार के लिए, लेकिन उनके बेटे की सोच काफ़ी बड़ी है, जिन्होंने कहा कि शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी हो जाना है, तो ऐसे में क्यों ना मानवता के काम आए उनका शरीर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सर्वप्रथम परिवार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनके चरणों में शत-शत नमन करती हूँ, उस बेटे के जिन्होंने अपने पिता की बहुत सेवा करी। बेटे तो बेटे ही, जो घर की बहू रानी है मिसेज पूजा मैम, जो कि खुद एक अध्यापक के पद पर है, अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे प्लेटलेट्स की ज़रूरत है पापा के लिए, पापा बीमार हैं, तो पंचकुला में थे, तो हमारी रक्तदान टीम करनाल की तरफ से वहाँ पर इनके प्लेटलेट्स का पूरा इंतज़ाम कराया गया। लेकिन ये भगवान के हाथ में है जीवन और मृत्यु, तो ऐसे ही आज पिताजी के और परिवार वालों ने बड़ा नेक कार्य किया, पिताजी के शरीर को पूरा दान कर दिया जो एम्स में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हिमाचल के एम्स में जो किया है एक बड़ा दान किया है, इस दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। राजा करण ने भी दान किया था, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के साहिबजादों को भी दीवारों में चिनवाया गया था, भाव समाज की सेवा का था, और बाऊ जी के निमित्त इनकी रसम क्रिया शुक्रवार को 13 तारीख को 2-3 कर्णेश्वर मंदिर के अंदर की जाएगी। आप सभी से प्रार्थना है दिवंगत जीव आत्मा की शांति के लिए प्रभु नाम का सिमरन और परिवार में बच्चों को आशीर्वाद देकर जाएं, ताकि और साथ में दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे अपने अपने गुरु महाराज जी से, अपने भगवान जी से, ताकि ऐसी महान दिवंगत जीव आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो। फिर भी एक बार बता रहे हैं, रसम क्रिया 2 बजे से लेकर 3 बजे तक निश्चित की गई है, स्थान कर्णेश्वर मंदिर सेक्टर 7 के अंदर जो है। सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, देहदान महादान, और बता दें नेत्रदान भी आज का, जिसमें सभी जो परिवार के लोग हैं आसपास के लोग हैं फिलहाल यहाँ पहुँचे, और टीम आशियाना अपना आशियाना और जनसेवा दल की तरफ से जो है इस पूरी क्रिया में अपना जो योगदान है उन्होंने दिया है। तो आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।